अच्छा मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। तो ये फोटो लगी थी आप, ये पेरमिली नियर गाजीचुली, ये पोस्टर्स लगे थे। ये अभी रिसेंटली कुछ लोगों को रेड किया गया है और उनको हाउस अरेस्ट पे डाला गया है। ये वही लॉयर्स एक्टिविस्ट्स इस तरह के लोग हैं, उनके लिए बोला गया था, अभी बोल रहे हैं पुलिस कि वो माओवादी और नक्सलवादियों से मिले रहे। ये पोस्टर उनके सपोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ऐसा काफी बहुत बार होता है कि जो काडर है ये क्या ग्राउंड लेवल काडर ने ये पोस्टर लगाया होगा या किसने लगाया होगा? क्योंकि नहीं, आप तो बोल रहे यानी आप बाहर के बुद्धिजीवियों ऊपर में, यदि सरकार कुछ उसको कि माओवादी के साथ संलिप्त है या माओवादी के काम करता है, माओवादी के साथ में संबंध है, करके अरेस्ट करता है, तुरंत इधर माओवादी कैडरों ने तुरंत पोस्टर प्रचार करना, ऊपर नेतृत्व के यहां पर भी बैठा है ना, उन लोगों का तो संबंध ही है, नहीं है वाली बात नहीं है। उसमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ ना, जो अरेस्टिंग किया उसमें से मैं जानता हूँ ना, किसको जानते वो अरुण परेरा को जानता हूँ ना, 2006 में आया खुद, अरुण दो हाँ 2006 के जो कौन डिविजन नाम है फिर किसी? अरुण परेरा अच्छा हाँ जो एक वकील वकील बंबई या कहीं वकील कर रहा है ना, अच्छा उसको मैं जानता हूँ। मैं दिल के चोट से बोलता हूँ, यदि कोई ऐसा बुद्धिजीवी हो जो आकर मेरे पूछे आदिवासी अस्मिता को, यदि सही यदि विज्ञान को मानते हैं, यदि दुनिया को समझे, सत्य को समझे, तभी ये दुनिया बदलेगा। ये माओवादी कोई हथियारबंद संघर्ष से दुनिया बदलने वाला नहीं है, केवल आदिवासियों की हत्या होगा। तो ये 2006 में अरुण परेरा डिवीजन अधिवेशन में आया था, मेरे साथ बैठा, उसी डिवीजन अधिवेशन में मेरे को दो एरिया का सेक्रेटरी बनाया गया, संयुक्त एसी का मेरे को सेक्रेटरी बनाया गया। 2006 अधिवेशन में ये लोग आए थे, शेखर आए थे, जो सीसीएम सीसीएम है शेखर, जो कभी केरला में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद पूंजीपतियों के साथ में संपत्ति दूंगा करके उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके सीधा उधर जंगल में छोड़ दिया गया। तो और ये कौन कौन आ रहे थे अगर आपको उसमें नाम याद हो? विजय विजय भी जो हार्ट अटैक से मर गया, वो विजय भी आते थे मुंबई का। ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे उसमें आते थे ना, अभी दीपक तेलतुंबड़े हैं अंदर के भाग में काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकर के अरूर जरूर भटकाते रहते हैं जनता। अरुण पेरेरा का जो आपने बोला ये क्या कॉन्वर्सेशन था आपके और उनके बीच में? उनके वो राज्य कमेटी सदस्य थे, मैं एरिया कमेटी सदस्य वो था, सदस्य थे मतलब वो पार्ट थे पार्ट थे। तब वो 2007 में अरेस्ट हुआ था, जेल भी गया था, वहां से छूटने के बाद में खुला मंच में ओपन, मैं तब जैसे छूट गया ना, मेरे ऊपर से दाग मिट गया ना, इस तरह समझ के भी ओपन में काम कर रहा था। लेकिन वो तो बोल रहे कि वो वही वही सेम चीज बोलते हैं कि वो तो बस सोशल वर्क करते हैं, आदिवासियों के हक के लिए लड़ते हैं, उनका नक्सलवादियों से माओवादियों से कोई संबंध नहीं है। वो तो बोले बचने के लिए, देखो मैडम दुनिया में बचने के लिए खुला दिल से बोलने के लिए कोई नहीं। देखो मैं माओवादी में था, मैं माओवादी में था, पूछिए अभी आईजी साहब को पूछिए, मैं ऐसा कोई हिम्मत करेगा कि आईजी के पास मैं आकर सिलेंडर हूं? कोई मेरा संपर्क नहीं है, फिर भी मैं सीधा अपने परिवार को पकड़ के आ गया, मैं नक्सलवादी हूं, मैं उत्तर प्रदेश डिवीजन का सेक्रेटरी था, मैं आ गया। तो ये अरुण के साथ और कोई भी आते थे आपको नाम याद है? ये इसी लॉयर टाइप के आपको किसी का नाम याद है? और इतना मालूम नहीं है, परंतु आते थे। एक जो दीपक की मिसेज थी वो क्या नाम, एंजेला, जो भी आने स्टूडेंट थे एंजेला, हाँ वो भी आते थे। उसके पति तो अंदर में है, भूमिगत होकर के काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे उसकी पति भूमिगत है और वो ओपन में है, उसकी केसेस चल रही है, कि वो जब वो जाएगी शहर मूवमेंट में तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, नहीं मिलने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि तो घर परिवार माया मोह ममता को कोई त्याग नहीं सकता, कितना भी तुम कट्टर आदिवासी नक्सलवादी हो चाहे कितना भी आतंकवादी हो, जरूर भावना ये सारी।